Hello everyone, welcome to the arithmetic practice session 3 of ratios. This is very important. Apanankara bahut bhala questions yadre pick kara hai ki all the questions have been hand picked so that apanankara learning how each and every question re sab question you get to learn many approaches shortcuts kon hi paribo improvised techniques kon hi paribo real time exam re kemti chinta kariyar achi sab jinsa you will get to learn in this session hala questions kuda bhala level re achi. Pause the video after the question appears. Try to solve by yourself. Niche solve karibe chesta karibe. After that, check the explanation. ठीक अछि. I have tried to explain as elaborately as I can. तो यह जिनसो बाकी don't skip any of these questions. सब question करिए. And once the session is over, definitely comment your feedback in the comments. मुँह अपना comments तो wait करिए. जदि भल लागू छी definitely कहिए. And जदि खराब लागू छी मते गाली दे परंती हला. तो that's it. सेशन स्टार्ट करिवा सेशन ता 1 आवर हबो बदे बट 1 आवर सेशन बट एक्चुअली यार लेंथ होची 2 आवर्स केना क्वेश्चन रे भितरे हमें टोटल कथा अर्थ नहीं क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन तो क्वेश्चन सेशन टिके हेवी लागी पारे बट भितरे छाडीबेनी सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत लर्निंग हबो हला लेट्स स्टार्ट इनकम रेशियो देची दिस इज अ गुड क्वेश्चन पॉज करंतु वीडियो निजे ट्राई करंतु किछि पिलांको डिफिकल्ट लागि पारे बट क्वेश्चन आ जो क्लास टाको पूरा देखिबे एक फर्स्ट क्वेश्चन ने छाडी देबेनि जे डिफिकल्ट लागो क्लास टाको पूरा देखिबे सब जिंस ए टू जेड आपन बुझिबे फर्स्ट क्वेश्चन जे न बुझि पडजोंति तार सॉल्यूशन एटलीस्ट देखंतु पूरा क्लास देखिला पारे सब जिंस क्रिस्टल क्लियर हिजो हला अप्रोच बहुत जिंस सिखि जिवे इनकम रेशियो देछि बेसिकली इनकम रेशियो देछि आपनको 3 is to 7 is to 4 3 is to 7 is to 4 hai na ta pare aau kon dei ji expenditure ratio dei ji kete 4 3 5 4 is to 3 is to 5 ta pare kahi ji kon a saves 14 whole 2/7% of his income income ra etiki save karuchi 14 whole 2/7 ta basically 1/7 yara value ta hochi 1/7 फर्स्ट क्लास से पढ़ी थी जो मैं जो मैं लेट से तुम जान नो एटा तहले कोन ना 14 into 7 98 plus 200 100 by 7 परसेंटेज ता मैं 1 by 7 मुझे ला है ना ओके तहले मत्ते दरकार इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो कहे कि ना दिया है ची क्वेश्चन रे इनकम और एक्सपेंडिचर तहले मु इनकम और एक्सपेंडिचर रेशियो बाहर करी आ या कुछ सबट्रैक्ट करना सेविंग बाहर कर देवी है ना जोड़ा पचारी छे तो इनकम एक्सपेंडिचर रेशियो कितने हो सेव्स 14 होल 2/7% ऑफ हिज इनकम कंपैरिजन कर इनकम सहित तो इनकम टा साथ मानी प्रथम क्लास से कहितली जोड़ा तो कंपैरिजन हो तो एटा बेस मानंतु हला सात सात ऊपर एक करू छी सेव यदि सेव करू छी एक ताले एक्सपेंड केते करतो 6 करतो स्पेंड ताले इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो आसी गला ए रो केते 7:6 माने 7:6 आसी गला ए रो एटा हो छी ए एटा बी एटा सी फाइन आई होप दिस पार्ट गॉट क्लियर हला टी रेस कर दो छी हां अभी का इंपोर्टेंट अभी का मते दरकार सेविंग रेशियो फर्स्ट देखन दो एटा होची इनकम 7:6 ता माने ए ऊपरटा को मते 7 रो मल्टीपल बनाय दरकार हला 7 रो मल्टीपल बनाय दरकार तळटा 4 रो मल्टीपल माने 6 और 4 रो मल्टीपल दरकार हला ते कैलकुलेशन इजी हो तो ऊपर मु 7 मल्टीप्लाई कर देबी बट 7 खाली कर देले हबनी हला 7 मल्टीप्लाई करले 4 टा होची कोन 4 टा होची 2 स्क्वायर एठी अप्रोच सिकंतु 4 टा 2 स्क्वायर याथरे 2 टा 2 अछि हला बट 7 रे 2 अछि कि 2 नाही ता माने 7 रे सब मल्टीप्लाई कर देई बट एठी करालो कटिबनी हला एठी फोनी कैलकुलेशन असुविधा आइयो मते 2 टा 2 दरकार हैना बट यू 6 टा होची 3 * 2 ता माने गोटे 2 ऑलरेडी एठी अछि हैना मत आउ खाली गोटे 2 दरकार ताकि मोर 2 स्क्वायर एडजस्ट हो 4 रो गोटे मल्टीपल हो बुझी पारले आपण 6 टा होची 3 * 2 माने ऑलरेडी गोटे 2 एठी लुचि किना अछि मते आउ गोटे 2 हे गेले 4 रो मल्टीपल हो हैना ता माने मल्टीप्लाई करबी 7 रे नु मल्टीप्लाई करबी 14 रे 14 रे मल्टीप्लाई करले केते होची 42 14 * 7 होची 84 14 * 4 होची 56 ताले नुवा रेशियो हमरा सी गेले केते 42 84 56 है ना अबिका 7 यूनिट रे वैल्यू होची 42 तले 1 यूनिट रे वैल्यू होची 6 तो 6 रे वैल्यू केते 36 9 रे केते मल्टीप्लाई हला 9 रे सॉरी 4 रे 9 मल्टीप्लाई हला तले 3 रे केते 3 रे भी 9 मल्टीप्लाई हबो
केते हबो 37 5 रे भी 9 मल्टीप्लाई हबो 45 हला ताहले इनकम रु एक्सपेंडिचर माइनस करले सेविंग आ जइबो 56 माइनस 45 होची 11 84 माइनस 27 दैट इज 71 42 माइनस 36 दैट इज 6 त माने रेशियो ऑफ सेविंग आसी गला 6:71:11 आई होप आपन अप्रोच बुझी पारले हला अपिका बाकी जो क्वेश्चंस गुडा आछी सब गुडा देखौं तो डिटेल सब जिंस क्रिस्टल क्लियर हो जइबो ओके रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज 16:12:9 एटा होच एक्सपेंडिचर रेशियो दैट टोटल इनकम इज 1530 तीन जगह टोटल इनकम 1530 फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम इफ दे सेव 20% 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम इनकम ऊपर सेविंग करछन दिला ओके ताहले मु बेसिक जिंस जानि छी इनकम ता होची एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग एटा आपण कॉमन सेंस जानि छथि इनकम ता सब बळे दैट इज इक्वल टू केते आपण खर्च करले प्लस केति की सेविंग करले हैना तो दैट इज इक्वल टू योर इनकम इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दैट इज ऑलवेज ट्रू एटा कॉमन सेंस ऑफ जानि छथि ओके बेसिकली कोन होची एक्सपेंडिचर रेशियो हमकु देछि 16:12:9 ए बी सी र एटा होची एक्सपेंडिचर रेशियो एति सारे खर्च करचंती ए रेशियो रे ओके अबिका कहि छी इफ दे सेव 20% 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम ओके ए कथा जदि मु कहिबी ए सेव करची 20% 20% जदि ए सेव करची ताहले ए र इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो ए र कोन होबो 20% र वैल्यू मु जानि छी होची 1/5 जदि 5 कला इनकम ताहले 5 र 1 सेव करची 1 सेव करले एक्सपेंडिचर केते हेबो 4 बुझी पारले आपण आपण सब बळे कहितली एटी कहा ऊपर जिंस होची बेस टा कोन बेस टा होची इनकम जदि इनकम टा होची बेस मो फर्स्ट क्लास रे कहितली जहा ऊपर कैलकुलेशन करा होची बेस टा सब बळे डिनोमिनेटर मानिबे 5 टा को मानली इनकम कने इनकम ऊपर कैलकुलेशन करा होची 5 जदि होची मोर इनकम क्वेश्चन रे कहिची दे सेव 20% ऑफ देयर इनकम 5 टा को इनकम मानली इनकम रो 20% 20% रो वैल्यू होची 1/5 5 5 कटला तले सेविंग होची एक जदि सेविंग हला एक ताहले एक्सपेंडिचर केते हो इनकम माइनस सेविंग होची एक्सपेंडिचर एउट आसीबो इनकम रु सेविंग माइनस करले एक्सपेंडिचर आसीबो नि तो 5:4 आसला आई होप एटा क्लियर हला तापर बी कथा हमें कथा करता हवा बी कोन हेची बी केते सेव करूची 25% 25% सेव करूची 25% रो वैल्यू होची 1/4 1/4 हेले बी रे इनकम जदि 4 एक करूची सेविंग ताहले एक्सपेंडिचर होची 3 सी रे होची 40% सेव करूची 40% सेव करले ओके 40% होची 2/5 ताने 5 आपण व्हिडिओटा पॉज करना फर्स्ट निजे ट्राई करिवे तापर सोल्यूशन देखिवे 5 हेला जदि ताहले सेव करूची 2 5 उपरे एक्सप्लेनेशन आपणकु आगुरु कहि दिजि काहे कि होची 2 हैना तो एट मु डायरेक्ट करू छी पाँच दुई सेव कला तले एक्सपेंडिचर 3 राइट ओके अभी गाड़ी जिंस को अंतु एटा हमर असला दिस इज इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए बी एंड सी है ना बट हमकु एक्सपेंडिचर रेशियो दे छी केते 16 12 9 राइट बट एटी हो छी केते ए रो केस रे ए रो एक्सपेंडिचर हो छी 4 ए रो एक्सपेंडिचर हो छी 4 बट एक्चुअल रे हो छी केते 16 केमेदि करबी एटी मल्टीप्लाई करबी ए रेशियो रे 4 चार मल्टीप्लाई कले इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो आसी गला 20:16 16 आसला एटी सैटिस्फाई करी गला देखो मर्ज कर देली मो रेशियो कहना जो अनुसार कंडीशन देती हम से अनुसार करिया बी रो केस रे इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो केते अछि 4:3 राइट बट एक्चुअल रे बी एक्सपेंडिचर केते करछि 12 एटा को तल 3 को 12 बनाय पड़िबो तो यात्रे मल्टीप्लाई करिवे 4 4 कले 16:12 सैटिस्फाई गला बी रो एक्सपेंडिचर हे गला 12 थर्ड केस रे सी रो एक्सपेंडिचर होची 3 यूनिट्स ए रेशियो अनुसार बट एक्चुअल रही छी केते 9 यूनिट्स तो 3 टा को 9 बने आबे 3 मल्टीप्लाई करे पड़ियो दिस इज 15:9 राइट अबिका गोटे जिंस को अंत मते एठी इनकम रेशियो आसी गला ए बी आ सी रो नुवा इनकम रेशियो होची 20 16 15 फाइन जंक समेशन टा केते दिस इज
plus this is 35, 35 plus 16, that is 41, sorry 51, 51 unit ra value ta hochi kete total income ta 51 units ratio anusare 20 plus 15 plus 16 that is given as 15 30 to 1 unit ra value ta kete hochi 30 right 51 into 3 hochi 153 0 achi gote 30 units pacharchi kono share of b's income b ra income kete ki 16 unit to 16 unit ra value ta hava 480 480 this is a good question लास्ट टाइम देइतला आपन को एक्सपेंडिचर रेशियो बट एई थरो देइची क्वेश्चन रे सेविंग रेशियो हला एटा को आपन नीचे ट्राई करंतु फर्स्ट वीडियो वीडियो पॉज करंतु एई लेवल रा क्वेश्चन आसीबो ये सॉरी हला दीस आर नॉट इजी क्वेश्चंस हला तो कोन करिया एटी फर्स्ट कहि छी टोटल इनकम रे इनकम हो छी 6060 ए स्पेंड्स 80% बी स्पेंड्स बी खर्च करू छी 85% सी स्पेंड्स 75% सब बेले अपन खर्चाटा करंती निजर इनकम उपरे एटा लेखा हैनी बट एटा दैट इज इम्प्लिसिट एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन योर इनकम ये एक्सपेंडिचर हो कि सेविंग हो सब बेले कैलकुलेट करा हुए बेस्ड हो छि इनकम उपरे है ना ओके ए कथा जे मु कहिबी ए र केते करछि एक्सपेंडिचर 80% स्पेंड माने एक्सपेंडिचर 80% 80% करुचि खर्च 80% रा वैल्यू ता होची 20% ता होची 1 बाय 5 80% ता 4 बाय 5 प्रथम क्लास रे हमें सब डिस्कस कर जाबी यदि 4 बाय 5 होची ताले इनकम टू सेविंग मो रेशियो बार करी परबी ए केस रो ए रो इनकम ता को माने 5 कना इनकम ऊपर कैलकुलेट करा होची अपन कर सेविंग जो ये एक्सपेंडिचर ए रो इनकम होची 5 स्पेंड करुचि 4 ताले सेविंग केते करबो एक करिवो कि नहीं अरे बाबा इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ठीक अछि ताहले इनकम रु एक्सपेंडिचर माइनस करले सेविंग आ जइबो कि नहीं राइट एक्सपेंडिचर माने स्पेंड हला तो 5 टा को मान ली इनकम 5 रु 4 खर्च करू छी ताहले सेव करते करू छी एक करू छी हला जहां ऊपर कैलकुलेशन हो सब ताकु डिनोमिनेटर टा मानिबे राइट 5 मानि परिबे 10 मानि परिबे एनी मल्टीपल ऑफ 5 फॉर योर ईज ऑफ कैलकुलेशन बी केस रे इतने इजी रे बुझो छी समस्त बुझा दरकार 85% 85% दिन बाहर करिया 5 रो चिंता करिया हला 5 टा होची 5% टा होची मु जानि छी 5 बाय 100 दैट इज 1 बाय 20 85 टा होची केते 5 * 17 नहीं 5 * 17 कर देले आसीबो 85% हला तहले 5% आदि 1 बाय 20 85% टा केते हो 17 बाय 20 17 बाय 20 राइट दीज आर बेसिक्स डायरेक्टली मुहे मुहे करिवे मो खाली अपन बुझिया को लेखु छडा 85% ता होची 17 बाय 20 केमिति हला 5% ता होची 1 बाय 20 5 * 17 होची 85 तो 17 बाय 20 ताहले यार इनकम टू सेविंग रेशियो केते हो इनकम होची 20 स्पेंड करूची 17 ताहले सेव केते करिवो 3 सी केस रे सी रा होची सी स्पेंड 75% 75% ता होची 25 * 3 दैट इज 3 बाय 4 ताने 4 जदि इनकम 3 करूची खर्च सेव केते करिवो 1 करिवो राइट ताले इनकम टू सेविंग रेशियो हमर आसी गला एबीसी रो बट ओडे जिंस देखंतु फर्स्ट केस रे ए सेव करची 1 यूनिट ठीक अछि लेट मी जस्ट इरेज दिस आई रोड इरेज कर दन ले जागा बनचो नी ओके ए र सेविंग हो छी 1 यूनिट बट एक्चुअल रे सेव केते कर छी 5 यूनिट अरे वाह क्वेश्चन लिखा जाय 5 5 6 एटा हो छी हमर बेस ए रेशियो आंसर हम करिया पड़ियो हमर सेविंग रेशियो बाहरला 1 बट एक्चुअल रे ए कर छी केते 5 सेव कर छी ताले एटा को 5 बने देबी 1 टा को 5 बनाय पड़ियो ताले ए रेशियो रे 5 मल्टीप्लाई करबी तो आसी गला फाइनल रेशियो केते फाइनल इनकम टू एक्सपेंड इनकम टू सेविंग रेशियो 25:5 ता होची मर्ज रेशियो हला रेशियो मर्ज कला पर एटा आसला सेकंड केस रे हमरा बी केस रे बी र सेविंग आसी 3 बट एक्चुअल रे बी सेव केते करची 6 यूनिट ताले 6 करिया पई याद रे मत मल्टीप्लाई करिया गुरियो 2 2 मल्टीप्लाई कला 40:6 बी र हला इनकम टू सेविंग सी केस रे कोन 4:1 आछी बट सी सेव करची केते
9 यूनिट ताहले एटा को 9 बनाया पड़ियो 1 टा को ताहले 9 मल्टीप्लाई करबी दैट इज 36:9 रेशियो रे अपन जहां मल्टीप्लाई करबे दीटा रे मल्टीप्लाई हो है ना तो दैट इज 36:9 अभी कड़ी जिनस देखंतो इनकम जो हैला ये जो इनकम टा एटा होची इनकम एबीसी रा इनकम रेशियो होची केते एबीसी रा इनकम रेशियो होची 25 40 आउ 36 25:40:36 है ना एटा केते होची ताले 25:40 दैट इज 40 40 60 101 हैला 101 यूनिट 101 यूनिट रा वैल्यू होची टोटल इनकम 1660 ताले 1 यूनिट रा वैल्यू होची 60 राइट 160 हेले पचार जी कौन व्हाट इज द इनकम ऑफ ए ए रो इनकम केते तो ए रो इनकम होची 25 यूनिट ता माने 60 इनटू 25 25 से मल्टीप्लाई करिया माने बेसिकली आपण करिवे या यदि को भी जिनस 25 से मल्टीप्लाई करिया रची ताहले इनटू 100 करिवे बाय 4 करिवे ताहले एटा कले आपण इजी हो कैलकुलेशन करिया कैलकुलेशन ओटे स्पेसिफिक क्लास नै मु बट आपण कैलकुलेशन एमिति करिवे दैट इज 1500 है ना 2366 is 2366 is divided among 8 men, 10 women and 10 children. Each man gets 25% more than each woman. Hello? Each woman gets first line padla mane apan likhi debe comparison kara hai ji man and woman bitare gote man ku miluchi 25% more than gote woman to mane 25% value da hochi kete 1 by 4 ता माने जदी ओमेन को 4 मिलला अरे 1/4 कंपैरिजन करा होची का से तो ईच मैन गेट्स 25% मोर देन ईच ओमेन मतलब माने ओमेन टू 25% अधिक है मतलब कंपैरिजन करा है छि ओमेन सहित जहां सहित कंपैरिजन करा हो ताकु डिनोमिनेटर मारिबे हम फर्स्ट कहि छि ताले ओमेन को मान ली 4 है ना 4 ऊपर तो 4 मान ली 4 रो 25% केते 4 इनटू 1/4 दैट इज 1 1 अधिक त माने मैन को मिलु छि 5 राइट ये गला मैन वुमेन रेशियो असला तापर नेक्स्ट वन कहिछि एंड ईच वुमेन गेट्स 25% मोर देन ईच चाइल्ड माने वुमेन आउ चाइल्ड रो कंपैरिजन कराइ छि है ना 25% देन देन ईच चाइल्ड देन चाइल्ड से तो माने चाइल्ड ऊपर कंपैरिजन होइ छि माने चाइल्ड को जे 4 मानिबि तले वुमेन पाइ छि केते 5 फाइन अबिका वुमेन ए केस रे फर्स्ट रेशियो केस रे वुमेन रो वैल्यू 4 सेकंड रेशियो केस रे वुमेन रो वैल्यू 5 सेम होबा कथा कि नहीं सेम होबा कथा कहना वुमेन सेम अछि दिए दिए एठी भी तले सेम कर दा रेशियो सेम किमिति करिया पति जे अपन फर्स्ट रो 4 अछि 5 अछि सेम किमिति बनेबी 4 5 रो एलसीएम हो जे 20 हैला तले फर्स्ट रेशियो को भी 20 बने देबो वुमेन को सेकंड को भी 20 बने देबी 20 बनेया पई मते 4 रे मल्टीप्लाई करिया पड़े 5 आ रेशियो जहां मल्टीप्लाई करा होय दी टाइम से मल्टीप्लाई करा होय त माने एटा भी हे जइबो 25 एटा हे जइबो 20 हैना तापर एटी कौन है जी एटी पांच अच्छी पांच के मते कोड़ी बनाया कोड़ी हो तमने मल्टीप्लाई करी चारी तो दिस बिकम्स 20 दिस बिकम्स 16 राइट है ना ताहर ले मु कही पर भी ओमेन इस टू मैन इस टू ओमेन इस टू चाइल्ड फाइनल रेशियो कौन अच्छी गला 25:20:16 है ना ये टा हो जी माने इतनी कितनी पाव चंदी कोड़े मैन इस टू ओमेन इस टू चाइल्ड इतनी इतनी पाई ले ना तापर कौन है जी केते जण अछंती 8 टा मैन अछंती 8 टा मैन 10 वुमेन 10 चाइल्ड गुट्टे मैन को मिलु जी 25 हला अछंती के जण 8 जण ताले 8 जण को केते मिलिबो 8 इनटू 25 दैट इज 200 कने जण को मिलु जी 25 8 जण अछंती 200 टा मिलियो ना सेकंड वुमेन अछंती के जण 10 जण जण को मिलु जी 20 इट ताले 200 चाइल्ड अछंती के जण चिल्ड्रन 10 जण ताने मिलियो 160 टोटल हो जी केते देखो तो 560 400 प्लस 160 560 यूनिट रे एक्चुअली वैल्यू केते 2366 ताले 1 यूनिट रे वैल्यू केते हो 4.225 हला कैलकुलेशन करिवे नीचे सांगे सांग केमती हबो हना 1 यूनिट फरी 4.225 ताले कहि छी कोन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमन को केते मिलला ईच वुमन को मिलिसला केते 20 यूनिट ताले 4.225 इनटू 20 करिवी That is equal to 84.5. वैदिक मैथ रो क्लास ने भी हला आउ किछ दिन परे सिखेबी जो कैलकुलेशन गुडा करा होची फास्ट केमती करा होची है ना नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिस इज अ गुड क्वेश्चन आपन को वीडियो पॉज करियार अछि
निजे सल्व करार अच्छे यहाँ है ना, निजे सल्व करी आप पार्टी कि ना जब करते वेरी गुड है ना। कमी करा यार बेस्ट आप्रोच कौन पार रईट। रुपीज 500 इज डिवाइडेड अमंग ए बी आउ सी, ए बी आउ सी को दिया दिह 500 भितर डिवाइड करा कराऊ कंप्लीटली इन सच ए वे दैट 16 मोर दैन 2/5 ऑफ ए शेयर, 70 लेस दैन 3/4 ऑफ बी शेयर एंड 4 लेस दैन 3/5 ऑफ सी शेयर आर इक्वल। जदि ए रेयर टा को मानुची ए, ए रेयर को ए ही मानुची ए रुपीज हूँ ए रेयर, ताले क्वेश्चन कही 2/5 यू क्वेश्चन टाइम कौन ना आप रेशियो अप्रोच कम दबानी, ये जहाँ इक्वेशन जाना अच्छे सी कर जे खाली रेशियो रेशियो हूँ सर्टकट सी फस 2/5 अफ ए सेयर रु 16 अधिका प्लस 16 दिस इज इक्वाल टू 70 लेस दैन 3/5 अफ बी सेयर, सरी 3/4 अफ बी सेयर माइनस 70 दिस इज इक्वाल टू 3/5 ऑफ सी शेयर माइनस 4 है ओके। मुझे प्रथम क्लास रेशियोर प्रथम क्लास कही जो भी एमती माने ए इक्वाल टू बी इक्वाल टू सी इक्वाल टू डी एमती इक्वाल जिन जो आसला सब बड़े एज्यूम करते हैं इक्वाल टू के आपको प्रथम क्लास कही गोटे थम रूल मैथ्रे जो भी इक्वाल टू इक्वाल टू इक्वाल टू है सब बड़े इक्वाल टू के एज्यूम करदे है जिते डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है सल्व हो तो ये आम कमी यूज कर सब पॉइंट गुड़ाक मन रखिए मो क्लास यही सब जिन गुड़ाक मन रखिए अप्रोच कमी निया हाँ तो इरेज दिस पार्ट गोटे सेकेंड खाली इरेज कर दिए बस हाँ यहाँ सब इक्वाल अच्छे इक्वाल करदे के कते क्वेश्चन एक इजी हो देखो किसी लोक या 6 के मान दिखती कहीं तीन अच्छी तीन अच्छी दुई अच्छी कोफिशियंट ए बी आ सी रीन दुई एलसीएम 6 के मान दिखती है बट आम के मानना करा आप आडभांस हो गले आप इक्वाल टू 6 के मानदेवे है ना बट अबिका बिगिन कर के मान दौर है ना 6 के मानले क्याकुलेसन टी इजी हो बट आम अबिका स्टार्ट करना करे गोटे जिनस कहतु ए रैल्यूटा एटा हूँ एक यही पार्टा इक्वाल टू के पार्टा भी इक्वाल टू के पार्टा भी इक्वाल टू के ताहले जदि 2/5 ए प्लस 16 इक्वाल टू के ताहले ए रो वैल्यूटा केते होची के माइनस 16 होल इनटू 5/2 नो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करंतु बी रो वैल्यूटा केते होची के प्लस 70 इनटू 4/3 सी रो वैल्यूटा केते होची के प्लस 4 इंटू 5/3 राइट अबिका तीन टार आडिशन हो बेसिकली ए बी सी आसीगला आम क्वेश्चन में कही ए बी ए प्लस बी प्लस सी इक्वाल टू 500 क्या 500 डिवाइड हो ए बी सी भितर मैंने ए प्लस बी प्लस सी हूँ 500 तो यहाँ खाली पुट करदे इक्वेशन में कौन तेल इक्वेशन में कौन लिखी मुझे लिखी 5/2 के वन सेकेंड हाँ 5/2 के माइनस 16 प्लस के प्लस 70 इंटू 4/3 प्लस 5/3 इंटू के प्लस 4 खाली ए प्लस बी प्लस सी जाए रिप्लेस कर ए प्लस बी प्लस सी हूँ 500 ए प्लस बी प्लस सी जाए वैल्यू गुट रिप्लेस कर दूसरी सब गुड़ा इक्वाल टू हूँ कैसे 500 ताहले दुई तीन तीन ताहले सब पूरा कंप्लीट इक्वेशन को 6 मल्टीप्लाई कर दिखाँ ताहले डिनोमिनेटर कैंसिल हो 6 मल्टीप्लाई कले कैसे हम ये 6 मल्टीप्लाई करी ये 6 मल्टीप्लाई करी ताहले 15 के माइनस 16 हो कैलकुलेशन माइंड रे करी ये हम के 8 इंटू के प्लस 70 हो प्लस तापरटा कौन हम 10 इंटू के प्लस 4 हो दैट इज इक्वाल टू 6 मल्टीप्लाए करते एलएचएस 6 मल्टीप्लाए कले आरएचएस 6 मल्टीप्लाए कर दैट इज इक्वाल टू 3000 है दैट इम्प्लाइज ताल कौन हो डायरेक्ट जब सल्व करी 15 के भितर गले 15 इंटू 16 15 इंटू 16 हूँ के 15 इंटू 15 प्लस 15
मैंने 225 प्लस 15 दैट इज एटा हाउ सो वैदिक मैथ मैंने बेसिकली 15 इंटू जदि 16 मते करियार अछि ताले मु करबी 15 इंटू 15 प्लस 1 मैंने 15 स्क्वायर प्लस 15 राइट ए सब सिखेबी आपनको वैदिक मैथ रे मैंने 225 प्लस 15 मैंने 240 हला ताले एटी सेकंड रे कोन करबी माइंड रे कैलकुलेशन करंतु 8k प्लस 560 10k प्लस 40 मैंने टोटल होची 600 माइनस 240 360 360 360 हेले एटा 15 आउ 8 23 प्लस 10 33 माने बेसिकली 33k इक्वल टू 3000 माइनस 360 दैट इज 2640 कैलकुलेशन मु माइंड रे करूची आपण करिवे खाता रे माने जेते भला आपण करि परिवे जेते फास्ट तो k रो वैल्यू टास छिके ते 33 गले दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच गाइस 880 हैला के रो वैल्यू असला 80 पचार छि कोन बी रो शेयर टा पचार छि हैला बी रो शेयर टा केते 80 पुट करन तो के रो वैल्यू 80 जदि के रो वैल्यू मु पुट करबी केते होची 80 प्लस 70 150 150 इनटू 4 होची 600 600 बाय 3 200 200 हवा आंसर 200 हैला ओरली हे गला है ना 200 जी आंसर आई होप इट इज क्लियर लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन इटा अगेन बहुत भलो क्वेश्चन मोस्टली इट इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक आपण कर बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक इन अलजेब्रा एएसओ पई ए क्वाड्रेटिक टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट प्रति वर्ष क्वेश्चन आसुची हला बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक इटा अलजेब्रा रो अलजेब्रा रो इंपोर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक ऊपर क्वेश्चन बेस्ड अछि तो एटा आपन पई क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट है ना सो आपन वीडियो पॉज करंतु ट्राई करंतु आपन नीचे सॉल्व करि पड़ जंती नै मोस्टली हबो नै एटा किछ असुविधा नै मु कर दउ छी केमति करा हबो देखंतु अप्रोच सिखंतु मो वीडियो से आपन अप्रोच सिखिबे क्वेश्चन केमति सॉल्व करा होए अ बॉय एंड अ गर्ल प्लेइंग विथ अ पेंसिल द पेंसिल ब्रेक sorry, the girl break the pencil in two parts and the boy observes that ratio of the length of these two parts is same as the ratio of the length of the pencil to the larger part. Okay. Find the ratio in which the girl break the pencil. Question ta hoji, find the ratio in which the girl breaks the pencil. Abhika, eighty, mate mu shortcut kichi apply kar paribi ni, mate equation form kariya ko hi padibo. Ye jodi equation form kariya achi, जो जिनस आपन क्वेश्चन रे पचारी छी मु सेईटा को वेरिएबल मानिबी सेईटा को एक्स मानिबी एटा अपन स्कूल रे पढ़ती हुए जहां पचारी थे हमें ताकू एक्स मान दो है ना तो एडी कोन कोई छी फाइंड द रेशियो इन व्हिच द गर्ल ब्रेक्स द पेंसिल गर्ल दीटा पार्ट रे ब्रेक कर छी ओडे पेंसिल अछि एटा है ना ताकू दीटा पार्ट रे जे ब्रेक कर छी है ना तो से दीटा पार्ट को मानिया पड़ियो रेशियो मानिया पड़ियो सब बेले मन रखी दिबे अगेन जेमते आपन को लास्ट टाइम को क्वेश्चन रे कहि दिली यदि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ए टाइप ऑफ दिया है सब के अज्यूम करेंगे ये आप गोटे पॉइंटर मुझे कहली क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच मानने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच गुड़ा यहाँ को के मानवे सेमती जिते आपको रेशियो पचारि थी क्वेश्चन में जब आपको रेशियो मानिया पड़ू आपे एक्स इज टू वाई मानवे कहीं ना ये आप दुटा भेरिएबल नौ क्वेश्चन सल्व करा डिफिकल्ट हो सब यदि रेशियो पचारि क्वेश्चन में मानवे कौन सब मानवे एक्स इज टू वन हला x is to 1 अरे x by y टा जो होची x is to y जो मानु चंदी एटा कोन बेसिकली x by y कि नहीं तो x by y is to 1 कि नहीं बेसिकली जो x is to y आपण मानु चंदी एटा कोन कोजन जदि आपण मानले रेशियो x is to y लेट्स से तो दिस इज व्हाट या माने टा कोन x by y राइट तो x by y is to 1 मु कहि परबि नि कि x by y टा को लेट्स से k x by y टा को k मान दियंतु k is to 1 हेलो तले एटा एटा बेसिकली दैट इज इक्वल टू x इज टू y कहै ना y टाइप पर मल्टीप्लाई हिजो राइट सेटा हेत में मु मानिबी सबले मानिबार जदी अछि रेशियो इफ यू वांट टू अज्यूम अ रेशियो केबे भी अज्यूम करिवे नि x इज टू y सब बले अज्यूम करिवे x इज टू 1 कहै ना आपण पाए गुटी वेरिएबल रहला राइट जदी गुटी वेरिएबल रहला क्वेश्चन सॉल्व करे टिके इजी हिजो दीटा वेरिएबल रहले डिफिकल्ट हो एक पॉइंट आई होप क्लियर ला लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन हां तो रेशियो होची हमर x is to 1 ए रेशियो भांगिला x टा को मानुची x टा होची लार्जर पार्ट ठीक अछि ओबवियसली x टा लार्जर पार्ट हो हला 1 टा होची स्मॉलर पार्ट ए रेशियो
भांगिली पेनटा को गला पेंसिल टा को तापर कोन कहि छी द गर्ल ब्रेक्स द पेंसिल इन टू पार्ट्स एंड बॉय ऑब्जर्व दैट रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ दिस टू पार्ट्स लेंथ कोन x बाय 1 इज सेम एज माने इक्वल टू इज सेम एज माने इक्वल टू सेम एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लार्जर पार्ट ओके लेंथ ऑफ पेंसिल कोन दाले x is to 1 रे जे भांगु छी ताले पेंसिल रो लेंथ केते हो x plus 1 हो बनी की अरे मु पेंसिल टा को x is to 1 रे भांगी छी टोटल पेंसिल लेंथ केते हो x plus 1 टू द लार्जर पार्ट टा हो छी x मानी छी एटी मानी छी x टा को लार्जर पार्ट दैट इंप्लाइज बस एति खेल क्वेश्चन सॉल्व होला x square equal to क्रॉस मल्टीप्लाई केले x plus 1 दैट इंप्लाइज x square minus x minus 1 equal to 0 नाउ एटी x रो वैल्यू केते बाहरियो हमको जाना अच्छी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c x का वैल्यू टा होची इक्वल टू 0 એટલે x का वैल्यू टा होची माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a एटा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर आपनकर एस ओ रे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मु डिटेल रे पढेबी x का वैल्यू एटा बाहरी वाला x प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a अब काईटी एटा अप्लाई करंतु एटा फैक्टर जमा कर देबी नी पई फार्मूला अप्लाई करया पडियो एटा कोंती श्रीधराचार्य फार्मूला एटा केते हबो x रो वैल्यू टा होची माइनस b माइनस b टा होची माइनस 1 होची माइनस ऑफ माइनस 1 होची 1 माइनस एटा अप्लाई करली फार्मूला अप्लाई कर चला जे माइनस b टा छ नाडी माइनस माने b टा होची माइनस 1 होची तो माइनस b टा 1 हिजो 1 माइनस 1 प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस ते दीटा रूट बारियो दीटा रूट गोडे प्लस और माइनस 1 प्लस b स्क्वायर b टा होची माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर टा होची 1 1 स्क्वायर टा होची 1 माइनस 4ac 4 माइनस 4ac 4 a टा होची 1 c टा होची माइनस 1 माने एटा प्लस 4 हे जीवो 4ac c टा होची माइनस 1 ना त माइनस माइनस प्लस हे गला डिवाइड बाय 2a a टा होची 1 कने x स्क्वायर अछि कोफिशिएंट टा होची 1 अछि एडी अरे एही फॉर्म रे अपन चेक करबे एटा हला एटा मु एते बुझु त एडी केते आसला x वैल्यू टा 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2 तो x का वैल्यू असला 1 प्लस रूट 5 बाय 2 1 माइनस रूट 5 बाय 2 काहे कि नेल नि मु काहे कि ना मते जानी छी मु जानी छी x था होची लार्जर पार्ट जति 1 माइनस रूट 5 नै जीवी ताहले x का वैल्यू टा 1 टू कम हे जीवो सेटा हमको एक्सेप्टेबल न हो कैना हम माननी छी फर्स्ट टू x टा को लार्जर पार्ट फाइन तो एटा होची मोर गुट्टी सॉल्यूशन 1 प्लस रूट 5 बाय 2 दैट इज ऑप्शन ए आई होप इट इज क्लियर Now question number 6, ratio of income of A and B is 3 is to 2. First, I will tell you first basic method, then I will tell you cross multiplication method. First basic method. Basic method, income ratio is 3 is to 2. So, A ra income ta ko jadi ho mani bhi 3x, B ra income ta ko mani bhi 2x. Kaina, ratio is 3 is to 2. नंबर और नंबर माने आकले 3x माने आबडियो 2x माने आबडियो एंड रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:3 माने जदी गोटे जणकर इनकम होची 4y आ जणकर इनकम हो 3y हैना नंबर रे होची एटा रेशियो रे होची 4:3 माने 4000 हे परियो 3000 हे परियो हैना तो बेसिकली रेशियो रेट है 400 हे परियो 300 हे परियो तो वेरिएबल अछि एटा रेशियो दिया है जी नंबर दिया है तो नंबर माने को वेरिएबल मान दो छी 4y 3y दिस सेव 2900 रेस्पेक्टिवली ओके इनकम रु सेविंग माइनस कर देबी ताले कोन आ जीवो एक्सपेंडिचर आ जीवो कि नहीं इनकम ओ पाकर अछि ताधरु सेविंग माइनस कर देबी ताले कोन आ जीवो एक्सपेंडिचर आ जीवो कि नहीं ए रो इनकम रु सेविंग माइनस करबी एक्सपेंडिचर असला 4y यार एटा माइनस करले एक्सपेंडिचर असला 3y तो y y कैंसिल हो जीवो कि नहीं ताले एटी मु सॉल्व कर देबी सिंपली दैट इज 9x minus 6000 equal to 8x minus 3600. That implies x equal to एटा कोई पढ़ने आसले 2400. जदि x का वैल्यू 2400 है ना, पचार जी कौन? B रा इनकम टा हो जी 2x. 2x का वैल्यू टा हो जी 4800. एटा हो जी आंसर. तर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रे करी भी. ताहले इनकम रेशियो केते दिया है जी 3:2 एक्सपेंडिचर रेशियो केते दिया है जी 4:3
इनकम रु एक्सपेंडिचर माइनस कले सेविंग आसीब सेविंग जनकर 2000 आउ जनकर अछि 900 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर 3 इनटू 3 9 माइनस 4 इनटू 2 8 9 माइनस 8 होची 1 यूनिट सबले पॉजिटिव वैल्यू नो एटा मु याद है मल्टीप्लाई करली एटा एक मल्टीप्लाई करी तापर नेक्स्ट 4 इनटू 9 करी 4 इनटू 900 3600 3600 माइनस 2000 इनटू 3 माने 6000 3600 माइनस 6000 पॉजिटिव वैल्यू नो 3600 माइनस 6000 होनी 4 इनटू 900 माइनस दिस 6000 दैट इज 1 यूनिट वैल्यू होची 2400 है ना तापरे नो दिस इज इंपोर्टेंट अबिका जिनसडा होची इंपोर्टेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रे केबे भी तळ रेशियोटा बाहरिवनी एटा केबे भी बाहरिवनी सब बळे ऊपर रेशियो बाहरिवो हला ऊपर रेशियो बाहरिवो ऊपर रु एटा माइनस करले तळडा बाहरिवो है ना त कोन कोन करिया हवे जदि 1 यूनिट रे वैल्यूटा एतिकी ताले 2 यूनिट रे वैल्यू केते 4800 हला 3 यूनिट रे केते 7200 तो ए रो इनकम आसी गला बी रो इनकम आसी गला तंतु एक्सपेंडिचर कथा पचारला तले केमती बाहर करिया 7200 माइनस 2000 राइट बुझ परले तहाले आसीबो ए रो एक्सपेंडिचर हला 5300 एटा होची आरो एक्सपेंडिचर बी रे आदि बाहर करिया छी तले कोन 4800 माइनस 900 करबी एटा बाहर करबी मु डायरेक्टली 1 रो वैल्यू जदी 2400 4 इनटू कर दे परिबी 4 रे जेडा ब्लैटेंटली रॉन्ग हे जीवो हला एटा होची आपन बुझियार छी आ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसुची को एई इक्वेशन टाकु एई जो इक्वेशन टा फॉर्म करलेनी एई इक्वेशन टाकु हम टिके फर्स्ट करिया को एमेति मल्टीप्लाई करछी एक्जेक्टली इक्वेशन रे हम जहा करछन हम एठी एक्जेक्टली सेम जिंस करछन हला आपन टी ऑब्जर्व करियो सेम जिंस करा होची जस्ट मेथड टाकु फर्स्ट करियो को हम यूज कर दोजे हला नो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन एटा सिंपल क्वेश्चन टा किछ नाही यादरे ratio of the amount distributed in all the males and females as salary is 6 is to 5 ताहले let's say male मान को दिया है जी total salary हो जी 6y तेला number माने सब बड़े variable आजम करेगा पड़ियो इटा हो जी male मान को total salary दिया है जी female मान को total salary दिया है जी 5y ratio 6 is to 5 हो जी number माने 6y 5y तापरे while ratio of each male and each female हो जी 2 is to 3 तमाने गुटे मेल को मिलुची लेट्स से 2x आ गुटे फीमेल को मिलिवो 3x टोटल सैलरी डिवाइड बाय सैलरी ऑफ ईच मेल टोटल सैलरी ऑफ ऑल द मेन डिवाइड बाय सैलरी ऑफ ईच मेल टोटल सैलरी ऑफ ऑल द फीमेल डिवाइड बाय सैलरी ऑफ ईच फीमेल दैट इज इक्वल टू नंबर अरे जणकर केते सैलरी इनटू केते जण लोक अछंती इक्वल टू टोटल सैलरी ऑफ मेल लाइकवाइज गोटे फीमेल गोटे फीमेल रो सैलरी केते इनटू नंबर ऑफ फीमेल ताले टोटल सैलरी ऑफ फीमेल आछिवनी बुझ परल त ए डिवाइड करले नंबर ऑफ नंबर आछिवो ना त बेसिकली एंकर रेशियो पचार छी केते हबो एक्स वाई दियाडू कैंसिल हे जीवो कि नहीं एक्स वाई कैंसिल हे जीवो दियाडू कनेक्ट आमे डिवाइड करचंती दिस इज हाउ मच गाइस दिस इज 3 और दैट ये एटा होची 5/3 ताले तीनटा एपडु मल्टीप्लाई हे जीवो दैट इज 9:5 राइट क्वेश्चन टा पढ़ंतु तापर ट्राए करंतु तापर मु सॉल्व करबी आई होप आपन ट्राए करले एटा किछि नाही आपन ओरली भी कर परिबे किछि नाही बेसिकली 430 टका टोटल अछि 430 टोटल डिवाइड होची एती पैसा टोटल पैसा होची 12:15:16 ए रेशियो रे डिवाइड हेछि त माने 12 15 16 होची केते 43 43 रो वैल्यू होची 430 ताहले 1 यूनिट रो वैल्यू होची 10 टोटल फीमेल माने केते फीमेल भीतर पचार छी ई जो मैन ताहले ओमेन मैन टोटल पाउचंती केते 15 यूनिट माने 150 टका पाउचंती ओमेन माने ठीक अछि पैसा हम मते मिलि गला एति की पैसा पाउचंती हला अभिकासिया ई जो मैन अभिका नंबर ऊपर कथा आसलानी के केते जण अछंती पैसा मते मिलि गला टोटल पाउचंती 150 टका हला ओके अभिका अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच ओमेन ओके फर्स्ट ओमेन अछंदि के जों देखंत टोटल पैसा छ ए रेशियो रे टोटल मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन तो हां बस एटा होची टोटल मेल माने ए ती पैसा पहुचन फीमेल माने एति की चिल्ड्रन माने एति की टोटल पैसा बाय नंबर जणो केतना पहुच जणे 6 टा पहुच माने 6 रेशियो 6 5 4 हेला
टोटल बाय जनकर कले नंबर ऑफ मेल आ जीव माने दिस इज इक्वल टू दिस इज 2 2 इज टू दिस इज 3 दिस इज 4 माने टोटल हो जी के देखो तो 5 4 9 माने 9 यूनिट रे वैल्यू हो जी 5.40 एत्ते क्वेश्चन बुझेले नी अबिका एटा आपण सॉल्व करिए मु बहुत जल्दी कर दउ छी हले आपण टिके पॉज करना ट्राई करिवे निजे करिया को हले कहना बहुत क्वेश्चन आपण बुझालानी गोटे क्वेश्चन आपण माइंड लगेबे एटा बहुत सिंपल रहि जीवो बट आपण सॉल्व करिया छै 9 यूनिट रो वैल्यू होछि 45 राइट तहले 1 यूनिट रो वैल्यू होछि केते 5 राइट टोटल अछंति के जण टोटल होछि 3 यूनिट 3 यूनिट माने टोटल फीमेल अछंति के जण 15 फीमेल अच्छा 15 फीमेल अच्छा मिलूँ 150 टाँगा तेल गोटे फिमेल को कितना मिल 10 टाँगा 10 रुपीज मिल रुपीज 10 ये कमन मिस्टेक कौन कमन मिस्टेक हूँ ये जो 12 15 16 आप डिवाइड करदे मैंने 43 यूनिट्स वैल्यू पिला 430 बाहर करदे 15 वैल्यू बाहर करदे 150 तापर कौन करेंगे कह 15 बाय 5 माने तीनटा फीमेल अच्छा तीन जन को मिलूँ 150 टाँग जन को मिल 50 टाँग मारिदे 50 मार्क करदे ये हूँ भूल हो आंसर हूँ 10 है आप 45 को यूज ही कले रईट तो आंसर हम 10 50 हेनी आंसर 50 हूँ बहुत कमन आंसर बट यहाँ भूल आंसर हूँ 10 केमी है बुझेली निजे थे वीडियो पॉज करेंगे निजे ट्राए करेंगे देखिए आप करें ना एगेन वीडियो को पॉज करंतु निजे ट्राई करंतु सॉल्व करियो मु सॉल्व कर दउ छी तबरे पॉज करिवे निजे कला परे सॉल्यूशन चेक करिवे हैना कोन कहि छी ए इक्वल टू ए रिसीव्स हाफ सम ऑफ बी प्लस सी माने ए इक्वल टू बी प्लस सी बाय 2 त मु कोन कहि परिवि दैट इंप्लाइज कैन आई नॉट से व्हाट 2a इक्वल टू b plus c that implies mu kahi paribi ki nahi 3a equal to a plus b plus c mu ei pate a add kar deli e pate a add kar deli mane lhs a add kar deli rhs a add kar deli abika a plus b plus c ra value kete nu 5625 ta mane 3a ra value ta hochi 5625 ta a ra value kete hobo that is 18 75 इटा हो एयर अमाउंट आसीगला लाइकवाइज बी रो कौन हो कौन कही जी बी रिसीव्स 1/4 ऑफ ए प्लस सी माने बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 4 दैट इंप्लाइज कैन आई नॉट से एट केमती कली एग्जैक्टली लाइक दैट आई कैन से 5b इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अरे नुह 4b इक्वल टू ए प्लस सी बीटा दीपटे ऐड करते हुए ताले 5b इक्वल टू a प्लस b प्लस c गला दैट इंप्लाइज कैन आई नॉट से 5b इक्वल टू a प्लस b प्लस c रे वैल्यू कते 5625 दैट इंप्लाइज b रे वैल्यू कते असला 1125 पचारि छी कोन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय a एंड b माने दिस एंड दिस या सम 1875 प्लस 1125 दैट इज 3000 ऑप्शन डी नो ए टाइप रे क्वेश्चन रे बहुत पिला फसंती मु आपन को बेसिक मेथड भी कहिबी आ शॉर्टकट भी कहिबी शॉर्टकट फर्स्ट आपन को बेसिक मेथड कहिबी ता परे शॉर्टकट भी कहिबी शॉर्टकट रे हमें बेसिकली 15 सेकंड रे सॉल्व करिए बट बेसिक मेथड जानिया इंपोर्टेंट कहिना बेसिक मेथड न जानिले शॉर्टकट रे आपन खाली एही क्वेश्चन सॉल्व करि परिबे जदि एही टाइप रो गोटे क्वेश्चन आसी गला क्वेश्चन बुले देला शॉर्टकट रे जे शॉर्टकट रे करू तो फसी जियो जहा को बेसिक आइडिया नै हे बेसिक आपन को कहिबी हैला फर्स्ट बेसिक टा कहि दउ जी जस्ट 1 सेकंड इरेज कर दियो फर्स्ट बेसिक मेथड देखिया कोन हैला बेसिक मेथड लास्ट ईयर कथा कहि छी सर लास्ट ईयर ए टे गैप रे गोटे सेकेंड टे गैप लिखे पड़ो ना आप कंजेस्टेड हो जीवो ए बी सी लास्ट ईयर इनकम रो रेशियो दे 3-4-5 रेशियो दे 3-4-5 अमाउंट मान दो 3y 4y 5y है
এটা হচ্ছে লাস্ট ইয়ার ইনকাম রেশিও, ইনকাম অফ এবিসি, ইনকাম রেশিও 3 4 5, তাহলে অ্যামাউন্ট হচ্ছে 3y 4y 5y, গলা এটা স্যার আপনার ক্লিয়ার থাকবে। তারপর নেক্সট, হোয়াইল দি রেশিও অফ দেয়ার লাস্ট ইয়ার ইনকাম টু কারেন্ট ইয়ার ইনকাম, লাস্ট ইয়ার টু কারেন্ট ইয়ার রেশিও দিয়েছি, রেশিও দিয়েছি লাস্ট ইয়ার টু কারেন্ট ইয়ার, কোন হয়েছে এ কথা 4:5, মানে 4:5 এই রেশিও আছে, তার মানে যদি রেশিও 4:5 দিয়েছি তাহলে এটা যদি 4x হইতিব এটা 5x হইতিব, রাইট। বি কথা কোন কইছি 2:3, যদি 2z থিলা লাস্ট ইয়ার তাহলে এই ইয়ার থিব বি র 3z, হলে লাস্ট ইয়ার যে 2z থিলা এই ইয়ার 3z থিব। তারপরে সি কথা কোন কইছি স্যার 3:4 আছে, তার মানে লাস্ট ইয়ার যদি সি র ইনকাম থিলা গোটা অলগা ভ্যারিয়েবল মানছি 3a, তাহলে এই ইয়ার থিব 4a, রাইট। এটা ডিভাইড রইবানি, মু এটা খালি হলে ইয়ে গলা। এটা অবিকা গোটে জিনিস দেখন্তু, 4x ৰ ভ্যালু টা হচ্ছে 3y, লাস্ট ইয়ার তো সেম না, এটা 4x ইকুয়াল টু 3y, যদি 4x ৰ ভ্যালু টা স্যার ইকুয়াল টু 3y, তাহলে x ৰ ভ্যালু টা কেতে কি 3/4y নহ, রাইট। যদি x ৰ ভ্যালু টা 3/4y, তাহলে 15x ৰ ভ্যালু টা কেতে হব, 15x ৰ ভ্যালু টা হব 15/4y, ফাইন। আরে 4x লাস্ট ইয়ার কথা কইছি, লাস্ট ইয়ার টু প্রেজেন্ট ইয়ার, লাস্ট ইয়ার 4x ছিলা, 4x টা অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু 3y, তার মানে 4x ইকুয়াল টু 3y, তাহলে x এর ভ্যালুটা কত আসলা 3/4y, তাহলে 5x টা কত হব 15/4y, কলা। লাইক ওয়াইজ 8 যদি মু সলভ করিবি সেকেন্ড রে, বি কথা, বি র কথা কইছি কোন, বি র কথা আপনাকে কইছি, বি র হচ্ছে 2z ইকুয়াল টু স্যার 4y, তাহলে z ইকুয়াল টু কত কি 2y নো, জেড টা 2y, যদি জেড টা 2y, তাহলে 3z টা হচ্ছে 6y, গলা। তারপরে স্যার আপনাকে কইছি, তারপরে আপনাকে কইছি 3a এর ভ্যালুটা হচ্ছে 5y, 3a এর ভ্যালুটা হচ্ছে স্যার 5y, তাহলে a টা কত 5y বাই 3, পুরো ডিটেইল রে বুঝাওছি, কিছু ডাউট হওয়ার কথা নয়, a এর ভ্যালু হচ্ছে 5y বাই 3, তাহলে 4a এর ভ্যালুটা স্যার কত কি 4 হলে 20y বাই 3 নো, ক্লিয়ার, আপনার পুরা ক্লিয়ার হইতিব, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। অবিকা প্রেজেন্ট ইয়ার র সবু ভ্যালু গুড়া ওয়াই টার্মে আসিগলা, গোটিয়ে ভ্যারিয়েবল আসিগলা ওয়াই, তাহলে মু কই পারিবি কি নাই স্যার, 15y বাই 4 প্লাস 6y প্লাস 20y বাই 3 দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কেতে দেইছি আপনার নম্বর 98500, হলে অবিকা এটা গোটিয়ে ইকুয়েশন গোটিয়ে ভ্যারিয়েবল, সলভ করদেবে আপনার ওয়াই র ভ্যালুটা মিলিযিব, সলভ আপনার নিজে করবে, ওয়াই র ভ্যালু মিলিযিব, পচারিছি কোন প্রেজেন্ট ইয়ার ইনকাম অফ বি প্লাস সি, মানে বেসিক্যালি ইয়াকু আর ইয়াকু অ্যাড করদেবে 6y প্লাস 20y বাই 3, এইটা হচ্ছে আপনার আনসার, হ্যাঁ ওয়াই র ভ্যালু বাহারিযিব সলভ করলে, হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে বেসিক আপ্রোচ রে, বেসিক আপ্রোচ আপনার গলে এমিতি আপনার আনসার বাহারি, এক্সাক্ট আনসার বাহারি, কিছু অসুবিধা নাই। অবিকা আমি দেখিয়া এই কোশ্চেনটা ইউজিং শর্টকট, শর্টকট রে কোন হই পারিবো, কেন এক্সাম রে তো আপনাকে শর্টকট রে করিয়া পড়িবো, এতে টাইম নাই, ফাস্ট মুটি ইরেজ কর দিয়ে ওড়া, টিকে টাইম লাগুছি মতে মুটি ইরেজ কর দিয়ে ওড়া, সব লিভাই দিয়ে, কম্পিউটার রে তো অসুবিধা হয় আও, কিছু আও ভ্যারিয়েবল নবানি, সঙ্গে সঙ্গ করিয়া, ওয়ান সেকেন্ড জাস্ট ইরেজ ইট, হ্যাঁ 3 ভ্যারিয়েবল তো দরকার নেই, ও কোন কেমিতে করি আছে দেখুন, দুইটি ইউজিং শর্টকাট, লাস্ট ইয়ার, লাস্ট ইয়ার রেশিও অফ এ বি সি হচ্ছে 3:4:5, লাস্ট ইয়ার রেশিওটা ফুনি দেইছি 4:2:3, তার মানে সেম হওয়ার কথা কেন, এই যে 4:2:3 আর এই যে 3:4:5 আমাকে সেম করিয়া পড়িব, তাকে মু ডিভাইড করি পারিবি, তাহলে 4 2 আর 3 র স্যার এলসিএম কেতে, এলসিএমটা 12 নহ কি, 12 টা কো মাল্টিপ্লাই করি দিওন্তু এটি, তার মানে দিস ইজ 12 × 3, দিস ইজ 12 × 4, দিস ইজ 12 × 5, ফাইন। অবিকা 4 ইউনিট র ভ্যালু হচ্ছে এতিকি 12 × 3 36, তাহলে ইয়া ভ্যালুটা কেতে হলা,
या भैल्यूटा हूँ 4 यूनिट्स का भैल्यू हूँ मुझे लिखी दूसरी नंबरटा हूँ 12 3 जा 36 है 12 4 जा 12 4 जा 48 मु खाली 12 रे मल्टीप्लाई कर देली एठी 12 5 जा 60 है। अरे ये जो 3 4 5 थिला याकु मल्टीप्लाई कर देली 12 रे काहे कि 12 रे 4 2 3 रे एलसीएम हो जी 12 4 यूनिट रो वैल्यू हो जी 9 अब 36 ताले 1 यूनिट रो वैल्यू हो जी 9 तो 5 रो वैल्यू केते हो यदि 1 यूनिट रो वैल्यू 9 ताले 5 रो हो जी 45 2 यूनिट रो वैल्यू हो जी 48 माने 1 यूनिट रो वैल्यू हो जी 24 तो 3 यूनिट रो वैल्यूटा हो जी 72 3 यूनिट रो वैल्यूटा हो जी 20 1 यूनिट रो वैल्यू सॉरी 3 यूनिट रो वैल्यू 60 1 रो हो जी 20 4 रो हो जी 80 फाइन अभी का देखंत 45 बेसिकली प्रेजेंट ईयर इनकम आसी गला 45 प्लस 72 प्लस 80 दैट इज हाउ मच 197 197 रो वैल्यू आपन दे छि सर केते दैट इज गिवन अस 98500 तो 1 यूनिट रो वैल्यू आसला केते 500 हले 98500 डिवाइड बाय 197 500 500 हेले पचार छि कोन इनकम बी एंड सी रो इनकम केते 72 प्लस 80 दैट इज हाउ मच 152 तो 152 यूनिट रो वैल्यू केते हो 152 इनटू 500 152 इनटू 500 हो छि हाउ मच दैट इज 76000 ऑप्शन ए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 रे आपन को बेसिक मेथड बुझेली ए टाइप रो क्वेश्चन रो अबिका मु डायरेक्ट शॉर्टकट रे करू छि हला वेरी फास्ट 1 ईयर अगो इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5 हला एटा होची 1 ईयर अगो माने लास्ट ईयर हला दिस इज ए दिस इज बी तापरे रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम माने लास्ट रु करंट रेशियोडा केते अछि 2:3 ए रो होची 2:3 बी रो केते अछि 4:5 म आपन को कहितली 2 या 4 एलसीएम केते 4 4 रे मल्टीप्लाई कर देबी 4 एटा को भी 4 रे मल्टीप्लाई कर देबी लास्ट क्वेश्चन रे डिटेल बुझेली हला ताले 4 रे मल्टीप्लाई करले एटा आपन कर हे जीवो 12 एटा 4 रे मल्टीप्लाई करले एटा आपन कर हे जीवो केते 20 हला 2 यूनिट रे वैल्यू होची 12 1 यूनिट रे वैल्यू 6 3 रे वैल्यू 18 4 रे वैल्यू होची 20 4 यूनिट रे 1 यूनिट रे वैल्यू 5 5 रे वैल्यू 25 हला ताले 18 प्रेजेंट ईयर होची ए रो 18 बी रो 25 सम ता होची केते 43 43 होल ता 4300 1 यूनिट रो वैल्यू 100 पचार छि कोन फाइंड प्रेजेंट इनकम दिस इज 1822 चला ऑप्शन सी